नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकल 18 में आपके साथ विनय अग्निहोत्री। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमोघ लीला दास प्रभु जी। प्रभु जी बहुत बहुत स्वागत। हरे कृष्णा, थैंक यू। आज हम जो है शुरुआत से बात करते हैं कि कैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है अमोघ लीला प्रभु दास आप कृष्ण के भक्त बने। सो एक्चुअली वैसे मेरे को ना भगवदगीता जो मिली थी, मैंने 8 तरह की भगवदगीता पढ़ी थी, उनमें सबसे अधिक प्रभावशाली लगी मुझे श्री प्रभुपाद जी की भगवदगीता। और मैं अलग अलग जगह पर गुरु लोगों से मिला करता था और उनसे सवाल जवाब करता था, तो मुझको सारे सवालों के जवाब बड़े प्रमाणिक रूप से मिले इस्कॉन के अंदर। बाकी मुझे लगता था भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझको भी भगवान को कुछ देना चाहिए, तो इसलिए फाइनली मैंने डिसाइड किया अपना जीवन दें तो बेस्ट है। तो जो कुछ भगवान ने दिया भगवान को वापस अर्पित किया जाए। जैसे गंगा नदी से हम जल लेते हैं, वापस गंगा नदी में डाल देते हैं, तो लाभ किसका होता है? हमारे लाभ होता है। तो इस प्रकार से जो भगवान ने दिया है उसको वापस भगवान की सेवा में लगाया जाए, दैट इज़ परफेक्ट। क्या आपका कहना है, आप जो पेशे से आप जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, अच्छी खासी नौकरी थी आपके पास, फैमिली का क्या उस समय रिस्पांस था? फैमिली का रिस्पांस शुरू शुरू में उनको थोड़ा अजीब लगा क्योंकि मैं इकलौता बेटा हूँ, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि किसी उग्रवादी संस्था को ज्वाइन नहीं कर रहा, वो हरे कृष्णा को ज्वाइन कर रहा है, तो अच्छी जगह जा रहा है, लोगों गीता करा पढ़ाएगा, हरे कृष्णा कराएगा, नाइस। तो क्योंकि मेरे माता पिता बहुत रिलीजियस हैं, तो इसलिए फिर उन्होंने मेरे को अल्टीमेटली सपोर्ट किया, ब्लेसिंग्स दी, और फिर मैं उनके आशीर्वाद से ब्रह्मचारी जीवन में आ गए। VRS लिया हमने, वॉलंटियर रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विसेज। आपका जो है यूथ फेस्टिवल चल रहा है, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज का युवा जो है वो विशेष रूप से भारत का जो यूथ है, भारत का जो युवा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर यूथ को हम आध्यात्म देंगे तो यूथ हमारा भूत बन जाएगा, तो इसीलिए उसको भूत बनने से रोकना है हमें, नहीं तो ये बेचारे ड्रग एडिक्ट भी हो जाएंगे, ये लोग गलत सारी चीज़ें भी देखेंगे और व्यभिचार में लग जाएंगे, चरित्र अपना खो बैठेंगे और अल्टीमेटली दुखी रहेंगे। आप देखिए भारत के अंदर आज यूथ जो है बहुत अधिक डिप्रेशन में, और एक सर्वे के अनुसार बाय 2028 इंडिया वुड बी नंबर 1 कंट्री इन द होल वर्ल्ड फॉर हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंटल इलनेस केसेस, यानी कि मानसिक तनाव के केसेस अमंग द यूथ। तो इसलिए बाय 2028 हम दुनिया के नंबर 1 कंट्री बनने वाले हैं, तो इसलिए ये बहुत ही चेतावनी वाली बात है। और ड्रग्स भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, एक मूवी आई थी उड़ता पंजाब, बहुत जल्दी मूवी आएगी उड़ता भारत। अगर ऐसे ही अगर ड्रग्स अगर कंज्यूम करते रहे हमारे युवा लोग, चलो यार एक्सपेरिमेंट करते हैं, यार क्या होता है, यार कुछ नहीं होता भाई, अरे कर ले यार, तो ये करते करते एक्सपेरिमेंट करते करते हम ये बैंड बजा लेंगे ये लोग। तो इसीलिए इन युवाओं को आध्यात्म देना बहुत ज़रूरी है। हमारे श्री प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे, तो अमेरिकन यूथ को कि ड्रग एडिक्ट है, LSD मैरिजुआना लिया करता था, उनको हरे कृष्ण कराया और वो लोग खुश हो गए, तो हैप्पी, तो हिप्पीज़ को हैप्पीज़ बनाया श्री प्रभुपाद जी ने। उस प्रकार से आज ही भारत का यूथ हिप्पी बनता जा रहा है, तो उस हिप्पी को अगर हैप्पी बनाना है तो उसको भी हरे कृष्ण करना चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए। अपने डिप्रेशन की बात की, जो आज का यूथ है, कोई जो है अल्कोहल है, कोई जो है स्मोक ज़्यादा करता है, कुछ लोग तो ज़्यादा फ़ोन के आदि हो जाते हैं, तो इस तनाव से वो कैसे निकलें, कैसे अध्यात्म को वो अपनाएं? देखिए कोई भी चीज़ अगर शुरू होती है उसके लिए संगति चाहिए होती है। दारू भी शुरू कैसे होती है? संगति से, अरे पैक लगा ले यार, अभी कुछ नहीं होता भाई, अरे मर्द बनी यार, अरे फूक ले, अरे कुछ नहीं होता यार, या दूध पीता रहेगा, अभी तो ये ले कैसे इलायची दूध पीता है, अबे मांगड़ू, अबे पैक लगा दो चार, देख सेट हो जाएगा दूध। तो गलत हरकतें भी ऐसे शुरू होती हैं संगति से, तो आध्यात्म भी कैसे शुरू होगा? संगति से। तो सारा खेल किसका है? संगति का है। तो अगर संतों का संग करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, अपने सवाल जवाब करेंगे, डाउट्स दूर करेंगे, दे कैन ऑल्सो बिकम स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक होंगे, खुद भी खुश होंगे रहेंगे और को भी खुश रखेंगे। आपका एक मैंने एक बयान देखा था कि आप कहते हैं कि यह गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए अगर कोई आप ही से पूछे आपकी माँ को मैं गर्लफ्रेंड बना लूँ, आप खुश होंगे? कैसी गंदी बात कर रहे हैं आप। तो यानी गर्लफ्रेंड बनाना हम भी मानते हैं गलत बात है। अगर आपकी कोई बहन को गर्लफ्रेंड बनाए कोई पसंद करेगा? नहीं। यानी कि गर्लफ्रेंड बनाना ऐसे गलत है, लेकिन हम चाहते क्यों जी, हम तो चाहते हैं मेरी भी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन वो गर्ल भी तो किसी की बहन है, राइट? तो इसीलिए एक्चुअली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चक्कर है तो गड़बड़, और होता सारा स्वार्थ पर आधारित है। और सफ़र कौन करता है अल्टीमेटली? लड़कियाँ, भाई गर्भवती हो गई वो, लड़का तो आगे निकल लिया, ये संभालेगी बच्चे को। अब अगर दोनों की मर्जी है तो? देखो अगर दोनों की मर्जी है भी, इवन दो कोई एक चीज़ होती है उसको बोलते हैं ना समझी, हम ये नहीं बोले दोनों ना समझी में कोई डिसीजन ले लिया तो फिर जो करना चाहें करें, अपना बेड़ा अगर कर रहे हैं तो वो करें। मान लो कोई कूदने के लिए जा रहा है उसको रोकेंगे नहीं क्या हम? नहीं जी, बड़ा बड़ा लिखा आदमी PhD है वो, सुसाइड करने जा रहा है तो कोई सोच ही कर रहा होगा ना, जा मर जा, ये करेंगे नहीं। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है ना समझी में उसको रोकना चाहिए, तो वो बोले नहीं हमारा म्यूचुअली कंसेंटेड है, हमने दोनों ने स्वीकार किया है, तो तुम दोनों के दिमाग में अगर गोबर भरा हुआ है तो उसका मतलब ये थोड़ी तुमको हम गिरने देंगे, तो दोनों को समझाएंगे रोकेंगे। तो इसलिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर है तो बकवास कल्चर है, स्वार्थ से भरा कल्चर है, देर इज नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? तो इसीलिए आप किसी को पसंद करते हैं तो चल पढ़ाई पूरी करते हैं, उसके बाद शादी करेंगे। शादी के पहले प्यार नहीं कर सकते? देखो शादी के पहले प्यार जो होता है ना वो स्वार्थ वाला ही होता है, सबको पता है उस प्यार में होता क्या है, बेसिकली कुछ नहीं, एक दूसरे का चमड़ा निचोड़ना ही होता है और कुछ नहीं, एक दूसरे का चमड़ा चाटना होता है मोटा मोटा, और ऐसा थोड़ी कि मैं तुम्हारी सेवा करूँगा, मैं तुम्हारी सेवा करूँगी, आओ मिलकर एक दूसरे की सेवा करें, ऐसा कुछ नहीं होता।
सब चमड़ा चाटू बिजनेस होता है और कुछ नहीं। तो इसलिए शादी से पहले जो बेसिकली है सेक्स सेक्स लाइफ, इट इज़ ऑल इरिस्पॉन्सिबल एक्चुअली। तो इसलिए आप किसी को पसंद करते हैं, गेट मैरिड, आशीर्वाद दें बड़े बुजुर्गों का, साधु संतों का, एंड देन आप शादी करें, गृहस्थ आश्रम में बच्चे करें, गृह जीवन में भक्ति करें, आगे बढ़ें। आप कहना चाहते हैं कि अगर प्यार करना है तो शादी के बाद करें, शादी के पहले नहीं, शादी के पहले सम्मान करना चाहिए।